हाय फ्रेंड्स, विकास फूड ब्लॉग चैनल को आप सभी को फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम पनीर मसाला करी बनाएंगे, कैसे बनाते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए, तो पहले पनीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है। देखिए किस तरीके से हमने पनीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है। पनीर मसाला करी बनाने के लिए पहले हमको पनीर लेना है, उसके बाद फूलगोभी लेना है, शिमला मिर्च लेना है। तो देखिए किस तरीके से हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया है। तो उसके लिए जीरा, धनिया पाउडर, लंका गुंड, हल्दी गुंड, नमक, गरम मसाला, अदरक और काजू का पेस्ट और ग्रीन मटर और धनिया लिया है, तो इस सब सामान चाहिए, और टमाटर लिया है। तो इस सामान को हम लेके बनाएंगे। पनीर को अभी गरम तेल में उसको फ्राई करेंगे। तो देखिए हम किस तरीके से पनीर को अभी गरम तेल से फ्राई कर रहे हैं। फ्राई करने के बाद उसको पानी में डालेंगे। पानी में डालने से वो बहुत सॉफ्ट ही रहता है। अभी हमने शिमला मिर्च को भी तेल में फ्राई कर रहे हैं। उसके बाद गोभी को भी हमने फ्राई करेंगे तेल में। इस शिमला मिर्च को पानी में नहीं डालेंगे और गोभी को भी हम नहीं डालेंगे। देखिए किस तरीके से हम फ्राई कर रहे हैं, किस तरीके से उसको हम कर रहे हैं तेल में फ्राई। आप भी देख के उसी तरह भी घर पे बनाइएगा और ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और मेरे विकास फूड ब्लॉग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। ग्रीन मटर को भी अभी तेल में उसको फ्राई करेंगे। तो उसको सिर्फ तेल में डालना है, उसके बाद उठाना है, नहीं तो फूटेगा। तो अभी हमने कढ़ाई में सोरिस तेल लिया है। देखिए किस तरीके से सोरिस तेल हम डाल रहे हैं। वो थोड़ा गर्म होने के बाद उसमें थोड़ा सा चीनी डालना है, क्योंकि उसमें कलर आना है। कलर के लिए थोड़ा चीनी भी आप डाल सकते हैं। डालने के बाद तेल अभी हमारा गरम हो चुका है, उसमें हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे। देखिए किस तरीके से हम जीरा डालते हैं। तेल अभी हमारा गरम हो चुका है, जीरा डालते हैं। देखिए तेल अभी हमारा गरम हो चुका है, उसमें हम अदरक डालेंगे। हमारा तेल अच्छे तरीके से उसमें फ्राई हो चुके हैं अदरक और जीरा, तो इसमें थोड़ा सा पानी डालना है। तो अभी हम हल्दी गुंड डाल रहे हैं, हल्दी गुंड और गरम मसाला डाल रहे हैं, और करी पाउडर भी डाल रहे हैं, और गरम मसाला थोड़ा सा डाल रहे हैं, ये चिली भी हम थोड़ा सा डाल रहे हैं। देखिए किस तरीके से अभी उसका कलर आ रहा है। देखिए आप भी घर पे ऐसे बना के खाइएगा और ज़रूर बताइएगा कैसा लगता है कमेंट करके। देखिए हमारा
जो मसाला है कितना कलरफुल आ रहा है, देखिए किस तरीके से आ रहा है। तो अभी हमने उसमें काजू का पेस्ट जो लिया है उसको अभी डालेंगे, देखिए किस तरीके से कलर आ रहा है रेड कलर का। तो इसी तरह आप भी घर पे उसको डालेंगे। उसको डालने से देखिए कलर एकदम सा चेंज हो जाता है, देखिए। तो अभी हमारा शिमला मिर्च डाल रहे हैं, तो आप भी शिमला मिर्च भी डालिएगा अभी। अभी हमने फूल को भी और ग्रीन मटर को जो लिया था उसको अभी उसमें डालेंगे। उसको अभी हमने टमाटर डाल दिया है। अभी हमने पनीर को उसमें डालेंगे, देखिए किस तरीके से हम पनीर को डालते हैं, उसी तरह आप भी घर पे बनाइएगा। पनीर मसाला करी एकदम घरोई जैसा रेसिपी बना रहे हैं, आपको बता रही हैं। आपको कोई इतना सरल उपाय में कोई पनीर करी मसाला करी कोई आपको अभी तक नहीं बताया होगा। ये एकदम सा सरल उपाय से ये हमने कर रहे हैं, तो एकदम सा टेस्टी भी है। अभी स्वाद अनुसार नमक को डालना है, तो देखिए किस तरीके से हम अभी नमक डाल रहे हैं, तो उसका टेस्ट ही अलग प्रकार का होता है। उसको अभी हमने पानी में अमल को मिक्स करके उसको डालना है, क्योंकि उसका टेस्ट ही अलग का होता है, तो कलर भी उसका अलग प्रकार का होता है। तो देखिए किस तरीके से हम उसको डालते हैं। लाइक कीजिएगा और घर पे बना के बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसे लग रहा है।